एक होममेड विटामिन सी सीरम आपकी ओवरऑल स्किन टोन को ब्राइटन अप कर सकता है, आपकी जो अनइवन स्किन टोन है, जो यहाँ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें फेड करता है, अनइवन स्किन टोन को इवन आउट करता है, आपकी जो अंडर आई एरिया में बहुत ज़्यादा डलनेस है, डार्कनेस है, उसे लाइटन अप करता है, और आपके स्किन में जो एजिंग साइंस आने लगते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है, लाइक रिंकल्स, फाइन लाइंस, उन्हें प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हो कि एक होममेड विटामिन सी सीरम कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए। तो आपको लेना है एक सिंपल सा 7 डेज चैलेंज, आपको अपने घर में इसे बनाना है और सिर्फ 7 डेज के लिए इसे यूज़ करना है और आप इसके रिजल्ट से अमेज्ड हो जाओगे। तो इसे बनाना कैसे है मैं अभी शेयर करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा ऑरेंज। अगर ऑरेंज का सीजन ना हो तो आप जो नॉर्मल लेमन मिलता है वो भी ले सकते हो। और इसके बाद आपको इन्हें अच्छे से वॉश करना है। वॉश किए बिना आपको कभी भी किसी इंग्रेडिएंट को यूज़ नहीं करना है होम रेमेडी बनाने के लिए। आप टैप वाटर में बहुत अच्छे से इन्हें वॉश कर लीजिए 2-3 times और उसके बाद इन्हें यूज़ करें अपने होम रेमेडी को बनाने के लिए। इसके बाद आपको ऑरेंज के पील को सेपरेट करना है, अलग करना है ऑरेंज से। और अगर आप लेमन यूज़ करते हो तो आप किसी पीलर का मदद ले सकते हो और उससे लेमन की जो पील है उसे रिमूव कर सकते हो। ऑरेंज पील को सेपरेट करने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में इसे यूज़ करना आसान हो जाए। ऑरेंज पील में होती है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एक्ने एंड ऑयली स्किन के लिए, और ये आपके स्किन को लाइटन भी करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई भी मार्क्स को फेड करने के लिए एंड पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। ऑरेंज पील बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कुछ भी अप्लाई करने से आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है, ईचिंग होता है, तो आपको रॉ ऑरेंज पिल कभी भी यूज़ नहीं करना है, बल्कि ऑरेंज पिल को आप धूप में रख के कम से कम 2 दिन के लिए ड्राई आउट कर ले और उसके बाद इस ऑरेंज पिल को यूज़ करें। इसके बाद आपको लेना होगा रोज़ वाटर। आप प्योर रोज़ वाटर ले सकते हो अपने घर में बना के। अगर आपको पता नहीं है कि अपने घर में कैसे रोज़ वाटर बनाना है तो मैं बहुत ही जल्दी उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी। अदरवाइज आप मार्केट की रोज़ वाटर भी ले सकते हो। आपको इतना रोज वाटर लेना है ताकि आपका जो ऑरेंज पील है वो इसमें डिप हो जाए, और इसके बाद आपको इसमें ऑरेंज पील को ऐड करना है। आप रॉ ऑरेंज पील या फिर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ड्राई ऑरेंज पील इसमें ऐड करना है। इसके बाद ऑरेंज पील को आपको मिनिमम ओवरनाइट के लिए इस रोज़ वाटर के अंदर छोड़ना है ताकि रोज़ वाटर और ऑरेंज पील की जो गुडनेस है वो एक दूसरे के साथ मिल पाए, और इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। ओवरनाइट छोड़ने के बाद आप इसे ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद एक स्ट्रेनर के मदद से आप इसका जो जूस है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो पेशेंस के साथ आप इसे करें। अदरवाइज आप कोई मलमल के कपड़े में इसे डालने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करें, जिससे सीरम की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही क्रीमी फिनिश आपको सीरम मिलेगा और कोई भी ग्रैनुल्स नहीं रहेगी। तो बेस्ट वे है मलमल के कपड़े में डाल के, अगर आप इसे छानते हो तो। इसके बाद इस क्रीमी एक्सट्रैक्ट में आपको ऐड करना है 2 teaspoons एलोवेरा जेल, और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ग्लिसरीन, और सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आप एक सेपरेट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में आपको इसे छोड़ना है। फ्रिज में अगर आप इसे रखते हो तो 7 days आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो एज अ विटामिन सी सीरम, और 7 days के बाद आपको फिर से नया बनाना पड़ेगा, लेकिन विद इन अ 7 days आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपको नेक्स्ट टाइम बनाने का खुद से ही बहुत ज़्यादा मन करेगा। तो हर दिन रात को आपको इसे अप्लाई करना है अपने फेस को वॉश करने के बाद। आप इसे अप्लाई करके सो जाइए, आपको इसे वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और 3-4 days के बाद से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसे ट्राई ज़रूर करें इसके बेनिफिट्स को पाने के लिए। बाय बाय।